एकादशी का मतलब क्या होता है? हम कभी 11 से कहते हैं ना, 11 एकादशी को 11 से कहते हैं, इसलिए हमारे 11 इंद्रियां हैं। कहते 5 कर्म इंद्रियां जिसको द्वारा हम कर्म करते हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां जिसको द्वारा हम अपना ज्ञान उपार्जन करते हैं। लेकिन इस सब का राजा कौन है? कहते मन। सबका राजा मन, क्योंकि जैसे मन बोलेगा ना, देखना हम सारे काम ऐसे करते, मन कहा चलो सत्संग में हरि कथा, देखना सारी इंद्रिया मन चले आएंगे कहाँ हरि कथा। मन बोले अरे क्या जाने का जरूरत, टीवी खोल कर बैठ गया, देखना और टीवी खोल कर बैठ गया। मन बोलेगा आज चलो हरि नाम करते, एकादशी थोड़ा ज़्यादा हरि नाम करते, देखना मन अगर बोलेगा सारी इंद्रिया क्या करेगी, हरि नाम करने के लिए बैठी। अगर मन बोले यार इसमें करने से क्या होता, चलो थोड़ा घूम करके आ जाए, चक्कर काट यार दोस्त करके आ जाए, क्या होगा, सारे इंद्रिया वही चली जाए हैं। इसलिए देखना मन जो बोलता है ये इंद्रिया उसकी सारी चपरासी ये इंद्रिया करती है। इसलिए कहते ये इसलिए एकादशी मतलब होता है 11 से हमारी 11 इंद्रिया हैं। इसलिए आज का दिन क्या करनी चाहिए, हमारी 11 इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा देनी चाहिए, क्योंकि भगवान का एक नाम है ऋषिकेश। क्या नाम है? ऋषिकेश। ऋषिकेश का मतलब क्या बोले, ऋषि के मतलब होता है इंद्रियां, केश मतलब होता है ये इंद्रियों का जो राजा, ये इंद्रियों का जो राजा है, इंद्रियों का जो मालिक है। अभी नियम है ना, सेवकों को मालिक की सेवा करनी चाहिए, इसलिए क्या करनी चाहिए, एकादशी का दिन हमारे एकादश इंद्रियों को भगवान की आज सेवा में लगा देनी चाहिए। जैसे श्री अम्बरीश महाराज एकादशी व्रत रखते थे और एकादश इंद्रियों को क्या करते थे, भगवान की सेवा में लगा देते। बोले कैसे, बोले सबई मन कृष्ण पदार बिंदयो, सबसे पहले मन को लिया है, क्योंकि इंद्रियों का राजा मन है, मन जो बोलेगा हम सबको वही काम करते हैं, इसलिए पहले मन को सही करनी चाहिए। इसलिए श्री रघुनाथ दास गोस्वामी इसलिए एक ग्रंथ लिखे हैं जिसका नाम रखा मन शिक्षा। क्या नाम उसका? मन शिक्षा। वो ग्रंथ का नाम रखा मन शिक्षा, पहले ये मन को शिक्षा देते हैं। इसलिए प्रभुपाद इसलिए बोले सवेरे उठो और अपना जूती लो, जूती लेकर का नहीं, मन को पहले सवेरे सवेरे 100 बार पीटो। सवार पीटो मतलब क्या है, बोले ये मन को समझाओ। बोले क्या समझाओ भैया, ये जीवन तुम्हें मिला है, ये 84 लाख जन्म के बाद में ये जीवन मिला, ये बारंबार ये जीवन तुम्हें नहीं मिला, जीवन तुम्हें नहीं मिलेगा। ये जीवन पाने का सार्थकता है जब इसी जीवन में
हम भगवान की भजन करते हैं। इसलिए भागवत में बताया एतावत जन्म साफल्यम देही नाम यह दे सुख मन ही बाचा ही तथा श्रेय आचरण। इसका मतलब है कि ये मानव शरीर पाने से पहले हमें 84 लाख जन्म भटकना था, 84 लाख जन्म, उसको पहले और भी कितना बार मानव शरीर हुआ। बोले एतावत जन्म साफल्यम, बोले इसका पहले जितने जन्म बीत चुका है इसके पहले ये सारे जीवन तुम्हारे धन्य हो गया। मतलब कैसे, अगर ये जीवन में अभी जो जीवन हमें मिला है प्राण अर्थ दिया वचन, प्राण अर्थ हृदय और वचन के द्वारा अगर इसी जीवन में हमने श्रेय चीज को अगर आचरण किया, मतलब श्रेय मतलब दिया कहते एक होता है प्रेय और एक होता है श्रेय, कहते प्रेय और श्रेय में क्या है, मतलब प्रेय उससे कहते हैं अभी तो आनंद लगता है लेकिन बाद में जो दुखता है। जैसे बच्चे जो बच्चा पढ़ना चाहते हैं कोई भी पढ़ना नहीं चाहते, चार दिन भर खेले कूदे हैं क्रिकेट खेले यार दोस्त खेले, ये पहले तो सुख लगता है लेकिन अगर बचपन अगर ऐसे बिता देगा तो जिंदगी बिगड़ जाएगी, बिगड़ जाएगी। इसलिए पढ़ाई किसको अच्छा लगता है, इसी को पढ़ाई अच्छा नहीं लगता, टेंशन है डिप्रेशन है, इतना पढ़ना पड़ेगा, पेपर आ गया 10-10 घंटा 12-12 घंटा 15-15 घंटा पढ़ाई करना पड़ता, उसको पढ़ाई करना किसको भी पढ़ाई अच्छा नहीं लगता। लेकिन जो व्यक्ति जैसे नीम पत्ता खाने में किसको अच्छा लगता है, नीम पत्ता खाने में किसको अच्छी लगती है, नहीं। लेकिन अगर नीम पत्ता अगर खाओ तो पेट में अगर जाएगा ना, मुँह में तो कड़वा है लेकिन पेट में जाएगा तो बढ़िया बढ़िया है ना। इसलिए कहते श्रेय प्रेय मतलब होता है, कहते प्रेय मतलब होता है पहले तो अच्छा लगता है लेकिन भविष्य में बदलाव हो जाता है। बचपन अगर खेल कूद में अगर बिता दिया लिखाई पढ़ाई नहीं किया जिंदगी भर मजबूर करो, लेकिन अगर बचपन अगर पढ़ाई में लगा दिया अरे बढ़िया, अगर ऑफिसर बन गया बढ़िया नौकरी मिल गया चाहते बन जिंदगी भर सुख। इसलिए श्रेय उससे कहते हैं जो पहले तो कड़वी लगेगी लेकिन बाद में रे मीठा है। अगर इस जीवन में अगर प्रभु की भजन लगा दिया सवेरे उठ करके अपना तिलक करो आदमी करो हरि नाम करो तो उन्हें सम्मान नहीं लगता है ना। इसलिए भजन करने के लिए बैठो आँख बंद करके सारा दुनियादारी देखता है भगवान देखते हैं, क्यों दुनियादारी अच्छी लगती है मन उधर जाता है। लेकिन साधक क्या करता है, नहीं मन को विषय से हटा करके भगवान की भजन में लगाते हैं, भगवान की भक्ति में लगाते नहीं। दुनियादारी में माया है, माया मतलब झूठा है, उसमें मन मत लगाओ, मन लगाओ तो भगवान में मन लगाओ, ठाकुर जी में मन लगाओ, हैं मन को भगवान के चरण में लगाओ। इसलिए पहले तो सवेरे सवेरे उठो तिलक आदि करो भजन करो आरती करो, वरना हमारे मंदिर में जिस समय लोग को गहरा मिल जाता है ना उस समय उठते हैं 4 बजे उठ करके नहा धो करके तिलक आनी करके ठाकुर का आरती उतारना बैठ करके हरि नाम करना बैठ करके साधना भजन करना ये अच्छी नहीं लगती है उस समय तो ज़्यादा नींद सवेरे आती है, लेकिन उसी समय उठ करके क्या करना पड़ता है भजन करना पड़ता है। उनको पता है अगर एक जीवन बोले एतावत जन्म साफल्यम, अभी तक हमारे जितने जीवन बीत चुका है हैं बीत चुका है सारे जीवन तुम्हारी सार्थकता हो जाएगा अगर इसी जीवन में प्राण अर्थ दिया और वचन को करा, अगर इसी जीवन में प्रभु का भजन कर दिया एक जीवन कष्ट करे किसी तरह से, एक जीवन में केवल कष्ट उठाओ प्रभुपाद के एक जीवन में कष्ट तुम उठा लो, कष्ट तो है नहीं अभी तो भजन के लिए अच्छा नहीं लगता लेकिन जब थोड़ी थोड़ी हमारी अनर्थ नष्ट हो जाएगा हैं हमारे अनर्थ चली जाएगी पाप चली जाएगी फिर भगवान की भजन जैसे मीठा दुनिया में कुछ नहीं, सबसे मीठा भगवान की भजन है देखना ध्यान सिंह इट्टी और सिंधी हैं। गाओ तो भगवान का कीर्तन गाओ, नाचना तो प्रभु का कीर्तन पर नाचो और खाना तो भगवान का प्रसाद है, इससे बढ़िया। लेकिन पहले हमें थोड़ा हरी तिलक लगाएंगे माला पहनेंगे हरिनाम करेंगे, इच्छा नहीं करता है इच्छा नहीं करता लेकिन
थोड़ी सी इसी जीवन में, थोड़ी सी जीवन को, थोड़ी सी कष्ट सहन को, बस एक जीवन अगर प्रभु का कष्ट सहन इंद्रिया है, एकादशी मतलब ग्यारह है, भगवान का नाम ऋषिकेश है, बोले इंद्रियों का जो राजा है, तो इंद्रियों का सार्थकता कब, जब इन इंद्रियों के द्वारा हम भगवान की सेवा करेंगे। इसलिए अंबरीश महाराज बोले सबई मन कृष्ण पदार बिंद हो, मन को क्या करते थे, भगवान के चरण के चिंतन में। अरे भैया हम कहते ना ठाकुर का चरण के चिंतन करो सब कुछ दूर हो जाए, लेकिन इनके चरण में है क्या चीज जो तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएगा। इसलिए भक्त ने ठाकुर कहते हैं अशोक भय अमृत आधार तुम्हार चरण धोए ताहते कना विश्राम लभिया छाड़ी नो घर भय। कीर्तन में गा रहे हैं प्रभु, इनके चरण में तीन चीजें ठाकुर का चरण क्या है, बोले अशोक, अशोक मतलब जहाँ कहीं शोक नहीं, अभय जहाँ कहीं डर भय नहीं, और अमृत मतलब जिनके चरण में अमृत है, अशोक जहाँ कहीं दुख कष्ट नहीं, अभय डर भय नहीं, अमृत भगवान के चरण में तीन चीज। इसलिए वो कहते हैं प्रभु अभी तक तो जिंदगी भर दुख ही दुख उठाया, लेकिन जब से तुम्हारी शरण में आया, जब से तुम्हारी हमने शरण में आया प्रभु, मतलब भवे रे भाई संसार का जो जन्म मृत्यु दुख कष्ट का जो भय है ये सारे भय हमें, क्योंकि हम जब से तुम्हारी चरण में आए, तुम्हारे चरणों का हमने जब से हम आश्रय किया, और भगवान के चरण में उन्नीस चिन्ह है, कितना चिन्ह है, उन्नीस, उनके चरण में चक्र है, कितना उनका चरणों का चिंतन कर सब दुख दूर हो जाए, बोले क्यों, बोले उनका चरण में चक्र, चक्र क्यों, अगर तुम्हारी कोई शत्रु है उनका चरण में चक्र को स्मरण करो तो शत्रु विनाश हो जाएगा। उनके चरण में कमल है, कमल फूल देखने में बड़े सुंदर, बड़ी खुशबू आती है, तो कमल को अगर कोई स्मरण करेगा ना तुम्हारे जीवन में खुशबू खुशबू निकलेगा, तुम्हें जीवन में सुगंध निकलेगा। उनके चरण में शंख है, शंख कब बजाती, जब जय दो पार्टी में अगर लड़ाई हो जो जीत जाता है ना वो शंख बजाता है, अगर तुमने ये संतों का स्मरण किया तुम्हारे जीवन में विजय प्राप्त किया है। उनके चरण में गदा, बोले गदा से क्या होता है, अगर कोई तुम्हारे विरोध हो ना वो गदा का स्मरण कर, गदा से इसे मार करके, हाँ ध्रुम से इसे मार करके चकनाचूर कर देते हैं। अगर तुम्हारे जीवन में कोई भी बाधा विपत्ति कुछ आए, अगर कहते वो चक्र को अगर स्मरण करोगे तो गदा को, गदा क्या करेगा, सारे शत्रु को तुम्हारी चकनाचूर कर दो। तो उनका चरण में ज है, धान ज है, अगर उसको अगर स्मरण करोगे ना घर में माँ लक्ष्मी की बड़ी कृपा होगी, घर में धन दौलत संपत्ति, घर में ये सब चार चीजें आती हैं। कहते तो उनका चरण में झंडा है, झंडा समझते हो पत्ता का, कहते उसका अगर स्मरण करोगे तो जीवन में तुम्हारी विजय प्राप्त हो, जहाँ भी जाओगे तुम्हारी विजय प्राप्ति होगा। कहते उनके चरण में स्वस्तिक है, अगर वो स्वस्तिक को अगर स्मरण करोगे, स्वस्तिक क्या होता है, स्वस्तिक कहते स्वस्तिक जो होता है ये मंगलवाची है, स्वस्तिक ये मंगलवाची स्वस्तिक है, अगर इसको स्मरण करोगे ना जीवन में तुम्हारी मंगल मंगलमय तुम्हारी होगा। इसलिए भगवान के चरण में उन्हीं से चिन्ह है, ये पुणे से चिन्ह का अलग 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 महिमा है। इसलिए बोले क्या करो, सबई मन कृष्ण पदार बिंद, ये मन को भगवान की चरण कमल में लगा दो। बोले बातचांसी कहते जो वाणी है ये वाणी को कहाँ लगाओ, बोले वाणी को भगवान की गुण कीर्तन में, भगवान की गुण कीर्तन में उनकी महिमा में लगा लो। हाँ सबई मन कृष्ण पदार विद पचासी वैकुंठ गुणान वर्णने, बोले करो भगवान को ना हाथ क्यों दिए, बोले हरि मंदिर मार्जनादिशो, इन्हीं हाथों का तभी सार्थकता जब इन्हीं हाथों से भगवान के मंदिर साफ करोगे, भगवान के लिए सुंदर सुंदर माला बनाओगे, ठाकुर का श्रृंगार करोगे,
ठाकुर की सेवा करोगे तभी ये दोनों हाथ की सार्थकता। इसलिए कहते हैं अगर भगवान दो हाथ दिए सारा दुनिया को तो सेवा कर रहे हो लेकिन ठाकुर की सेवा नहीं करते। बोले ये हाथ नहीं, बोले सब करो वा पुरुत सफर जा हरे लसत का जड़ गपरूंगा। कहते यहाँ तक लेकिन यहाँ तक सोने की हमने कंगन पहने लेकिन इन्हीं हाथों से साधु गुरु वैष्णव ठाकुर को सेवा नहीं करते। कहते हाथ नहीं ये मरा हुआ हाथ है, ये तुम्हारी मृत हाथ है, मरा हुआ हाथ है। इसलिए करो हरि मंदिर मार्जना दिशो। बोले श्रुति च भगवान दो कान क्यों दिया, बोले अचूत सत कथा दे, भगवान की कथा सुनने के लिए दिया। अगर कथा नहीं सुनते संसार की व्यथा सुनते हैं, फिर कहती है कान नहीं ये दो बील है। जैसे बील में सर्प रहते हैं ना, वो जो जहरीले सर्प रह रहे तुम्हारी बील में हैं। कहते भैया ये आँख क्यों दिया, नेत्र क्यों दिया, बोले भगवान की दर्शन करने के लिए। अगर इन्हीं आँखों से प्रभु की छवि दर्शन नहीं करते, दुनियादारी उल्टा पुल्टा चीज देखते हो, बोले ये आँख नहीं ये दो पाँख है। जैसे मौर पंथ में जैसे आँख भी है, वो आँख का क्या काम होता है, कोई काम नहीं है। इसलिए भगवान ने फिर ये चरण क्यों दिया, बोले चरण क्यों दिया, बोले हरीर मंदिर भगवान की मंदिर परिक्रमा गिरिराज की परिक्रमा तुलसी परिक्रमा सवेरे सवेरे तुलसी परिक्रमा करो। परिक्रमा करने के लिए दिया, अगर परिक्रमा नहीं करते हो सारा दुनिया की परिक्रमा कर रहे, लेकिन प्रभु की मंदिर की नहीं, तुलसी की नहीं। फिर कहते ही प्यार किया है, बोले ध्रुव जन्म भाजो। ध्रुव मतलब होता है पेड़ वृक्ष, भगवान अगली जीवन में तुम्हें पेड़ जन्म देते हैं, तो पेड़ बनकर खड़े रहते, क्योंकि प्यार से गोवर्धन गया है, वृंदावन गया है, तुलसी परिक्रमा मंदिर किया है, तल प्यार पाकर क्या जाओ पेड़ जन्म हो। बोले ये सब पेड़ एक जगह पर क्यों खड़े हुए, इधर उधर क्यों नहीं जा पा रहे, भगवान ने इनको मानव शरीर दिया लेकिन इस जीवन में उन्होंने भगवान मंदिर परिक्रमा नहीं किया, बोले एक जगह पर खड़े हो गए, फिर कहीं जाने का जरूरत नहीं, कहीं पर खड़े हो खड़े हो हैं। इसलिए कहते ये सारे इंद्रियों का तभी सार्थकता सार्थकता जब इन इंद्रियों को हम भगवान की सेवा में लगा दें, तभी इंद्रियों का सार्थकता, नहीं तो इंद्रियों का कोई सार्थकता नहीं। इसलिए आज एकादशी, एकादशी का मतलब होता है भगवान हमें जो ये 11 इंद्रियां दिया हैं, क्या अगर आज का दिन ये 11 इंद्रियों पर ठाकुर जी की सेवा में लगा दें, बस अगर ठाकुर का सेवा में लगा दिया ना हमारा बड़ा ही पार, फिर तो जन्म मृत्यु का दुख कष्ट से ठाकुर अपना चरण में हमें स्थान दे देंगे। इसलिए एकादशी को बताया माधवती है, बताया ना माधवती थी भक्ति जननी जतन पालन करी, कृष्ण बसती बसती बोली परम आदर बारी, शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूलम। श्री भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कि जो एकादशी तिथि ये क्या है, बोले माधव तिथि, माधव मतलब भगवान, माँ मतलब लक्ष्मी, धव मतलब है लक्ष्मी का जो आश्रय है, लक्ष्मी जिनकी चरण की आश्रय लेती है, किसकी चरण की, बोले माधव चरण, भगवान की चरण। इसलिए इसको माधव तिथि बताया, जैसे शुक्रवार कोई सोमवार करता है किसके लिए, भोले बाबा जी, कोई मंगलवार करता है किसके लिए, हनुमान के लिए, कोई सोमवार करता है किसके लिए, सूर्य देवता के लिए, कोई बृहस्पतिवार करते हैं लक्ष्मी के लिए हैं, कोई बुधवार करते हैं गणेश के लिए हैं। इसलिए अलग 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 देवता का अलग अलग बार है, लेकिन ये जो एकादशी का अधिष्ठात्री देवता कौन, बोले भगवान स्वयं कृष्णा माँ के लिए राधा रानी। इसलिए कहते जगत में तो 33 करोड़ देवता, कितने को मनाओगे बता, शनि को मनाया फिर बुध गड़बड़ करते हो, बुध को मनाया फिर शुक्र तुम्हारे पीछे पड़ जाएगा, फिर शुक्र को मनाया फिर शनि तुम्हारी रवि तुम्हारे पीछे, सूर्य देवता पड़ जाएगा। लेकिन ना इस जगत में एक को मनाओ ना दूसरा पीछे पड़ जाएगा, लेकिन अगर एक हरि को मना दिया, एक भगवान को मना दिया, बस अगर वो अगर खुश हो गया ना, ये जितने सब ग्रह है ना
ये जितने ग्रह सोम शुक्र शनि जब देखेगा भैया ये हमारी कृष्ण शरण में हमारे प्रभु की शरण में आए ना, इतना जा पर कृपा हरि की होई ता पर कृपा करे सब, उसको पर सबका कृपा हो जाता है। अगर हरि की कृपा तुम्हारे ऊपर नहीं हुई फिर तो सब ग्रह तुम्हारे पीछे पड़ जाएगा, ये पड़ जाएगा वो पड़ जाएगा वो पड़ जाएगा वो पड़ जाएगा सब पीछे तुम्हारे पड़ जाएगा। लेकिन केवल एक हरि की कृपा हो गई प्रभु का कृपा फिर तो कोई ग्रह तुम्हारे पीछे नहीं पड़ेगी। क्यों बोले भैया हमारे प्रभु का शरण में गया, इसके पीछे जाओ ना अपना नौकरी जाएगी अपना सत्ता ही जाएगी। जैसे इंद्र है, इंद्र कृष्ण को ऊपर में बोले ब्रजवासियों को, ब्रजवासी तो कृष्ण शरण में गए ना, कृष्ण का शरण में गए, बोले कृष्ण शरण में गए। अभी मैं दिखाता हूँ, उन्होंने 7 दिन तक उन्होंने मूसलाधार से उन्होंने बारिश किया। कृष्ण ने क्या किया, गिरिराज उठाए, कृष्ण गिरिराज उठाए और जितने ब्रजवासी सबके सब गिरिराज की शरण में आ गए। और लास्ट में क्या हुआ, इंद्र को जो पता चला ये कौन है, ये भगवान है, फिर क्या किया इंद्र आकर के कृष्ण के चरण में माफी मांगी। इंद्र कौन है, स्वर्ग का राजा, सारे देवता का राजा है, वो आकर के कृष्ण चरण में आश्रय ग्रहण करता है, समझ रहे हो। इसलिए ये जो एकादशी तिथि है ये किसका तिथि है, ये माधव तिथि, ये भगवान बाकी भी आ जाती है। अगर एक एकादशी व्रत को अगर तुमने कर लिया, एकादशी व्रत अगर कर लिया तो क्या हो गया, भगवान कृष्ण अगर संतुष्ट हो गए और जितने सारे देवा देवी है कहते सारे देवा देवी तुम्हारी अनुकूल हो जाएगी, सारे देवा देवी तुम्हारा अनुकूल हो जाएगी। अगर एकादशी व्रत नहीं किया सारा दुनिया की व्रत कर दो, सोमवार की मंगलवार की कड़ुआ चौथ ना चलो और सारा दुनिया की व्रत तुम रख रहे हो, लेकिन जिसका करनी चाहिए उसको तो नहीं कर रहे हो और जिसको नहीं करनी चाहिए उसको ही व्रत रख रहे हो। इसलिए बोले जैसे दूसरे व्रत अगर नहीं करोगे ना कुछ बिगड़ने वाले नहीं, कहते अगर एकादशी व्रत नहीं करोगे बिगड़े, इसको करनी चाहिए, दूसरे व्रत नहीं करोगे कोई नुकसान नहीं, अगर एकादशी व्रत नहीं करोगे सारे नुकसान। क्यों, अन्न में गो हत्या, नर हत्या, ब्रह्म हत्या, भ्रूण हत्या, पितृमाति हत्या, सारे पाप अन्न में आश्रय है। अगर एकादशी व्रत नहीं करोगे तुम्हारी हानि है, अगर दूसरे व्रत नहीं करोगे तुम्हारी कोई नुकसान नहीं। इसलिए एकादशी व्रत कंपलसरी, एकादशी व्रत को कंपलसरी होता है। इसलिए बोले माधव तिथि इसको करने से क्या होता है, कहते एकादशी करने से क्या होता है, बोले माधव तिथि भक्ति जननी, ये कौन है, बोले भक्ति की जननी, जननी मतलब होता है सब हमारे काम जन्म मृत्यु दुख कष्ट से चिरकाल के लिए मुक्त होकर के भगवान के चरण में हमें स्थान मिल जाएगा, सारे दुख कष्ट से खत्म अगर ठाकुर जी अगर खुश हो गए। इसलिए क्या करनी चाहिए, भक्ति जननी चैतन्य पालन करनी, एकादशी तो क्या करो कैसे पालन करनी चाहिए, बोले जतन पालन करो, जतन पूर्वक पालन करो। बोले भैया जतन पूर्वक मतलब क्या, बोले एकादशी का दिन कोशिश करो रोज रोज जितने हरिनाम करते हो उससे ज़्यादा एकादशी का दिन हरिनाम करो, एकादशी दिन एक बार हरिनाम करोगे ना 100 बार फल मिलेगा। ठाकुर का तिथि है ना, दिन अच्छी तिथि है ना, कहते अच्छे दिन में अच्छे काम करो बढ़िया फल मिलेगा। आज अगर एक माला करोगे तो 100 माला करने की पड़ मिलेगी, इसलिए आज का दिन जितने संत लोग हैं ना आज का दिन जितने जितने माला करते आज का दिन कोशिश करते हैं भगवान का व्रत थोड़ी ज़्यादा नाम करते, आज ठाकुर के लिए रोज ठाकुर के लिए क्या करते हो सेवा करते, आज थोड़ी सी फूल ले आओ अच्छा फूल ला कर ठाकुर के सुंदर फूल माला बनाओ, ठाकुर को थोड़ा सुंदर माला पहनाओ, आज का दिन ठाकुर जी के लिए थोड़ा अच्छा प्रसाद बनाओ, अपना लिए नहीं अपना दिन ठाकुर के लिए बनाओ, क्योंकि आज का दिन हम तो एकादशी व्रत रखते हैं लेकिन ठाकुर का एकादशी व्रत नहीं, एकादशी हमारी है भगवान की, एकादशी व्रत ठाकुर जी का नहीं। आज का दिन नियम है थोड़ी सी भगवान को जो खाते हैं अन्न दाल सब्जी जो खाते हैं आज का दिन थोड़ा अच्छे ठाकुर के लिए बनाओ, क्योंकि देखना दूसरे दिन जैसे शाही पनीर बना रहे हो, हाँ दूसरे दिन बढ़िया आज शाही पनीर बना रहे, यदि भी हम बोलते भगवान की भोग लगे लेकिन पहले हमारे लोग हो जाते खाने का
है, साई पनीर मटर पनीर बन रहा है, बढ़िया सब्जी, उसमें खाने का हमारी लो। लेकिन अगर एकादशी का दिन साई पनीर मटर पनीर बनाओगे ना तो कुछ खा ही नहीं सकते हो। इसलिए आज किसके लिए बना रहे हो? भगवान के लिए बना रहे, ठाकुर जी के लिए बना रहे। इसलिए नियम है एकादशी का दिन है भगवान के लिए अच्छे अच्छे खाना ठाकुर जी के लिए बनानी चाहिए। इसलिए बोले जतन पालन करी। इसलिए कैसे पालन करो? बोले जतन पूर्वक पालन करो। नहीं एकादशी का दिन ज़्यादा हरिनाम करेंगे, ज़्यादा हरि कथा सुनेंगे, ज़्यादा कीर्तन करेंगे, हैं तो इसे घर में सबके सब बैठ जाएंगे, बैठ करके सब पर लेकर के आज थोड़ा ज़्यादा चलो भगवान का थोड़ा ज़्यादा कीर्तन करते हैं, घर ठाकुर की कीर्तन करते हैं, क्योंकि इसको द्वारा भगवान की भक्ति और प्रेम एकादशी की भक्ति को द्वारा उसको द्वारा मिलेगा। प्रभुपाद का समय में कुछ भक्त लोग थे रात भर सोते नहीं थे, रात भर हरि कीर्तन करते अपने घर में, हरि कीर्तन रात भर हरि कीर्तन हरिनाम करते थे एकादशी का, क्योंकि कीर्तन के द्वारा ही भगवान कलयुग में कीर्तन के द्वारा ही भगवान मिलेंगे। इसलिए कलयुग केवल नाम आधारा और सुमरी सुमरी नर उतरे। कलयुग में सबसे सरल साधन भगवान की नाम कीर्तन। इसलिए जतन पालन करी। बोले भैया जतन पूर्वक क्यों पालन करेंगे? बोले कृष्ण बसती बसती बोली परम आदर। जो क्यों जतन पूर्वक पालन करेंगे? कारण क्या? बोले कारण ही इसी व्रत में भगवान के निवास है। ठाकुर जी स्वयं एकादशी में निवास करते हैं, इसलिए जतन पालन करी। इसलिए कितना उपवास, आज एकादशी उपवास कर रहे हैं। बोले भैया उपवास का मतलब क्या है? साधारण लोगों का धारणा उपवास मतलब होता है नहीं कुछ नहीं खाना, कुछ खाना पीना नहीं करना, कहते नहीं। इसका उपवास की संस्कृत शब्द है उपवास। उप मतलब होता है पास में, वास मतलब पास में वास करना। आज ठाकुर के पास में वास करना, तो ठाकुर के पास में कैसे वास करोगे? ठाकुर के पास में कैसे वास करोगे? इसलिए बोले उप समीपे जो वास जीवात्मा परमात्मा न हो। जब जीवात्मा परमात्मा के पास में निवास करेगा बोले उपवास सब गया, उसको ही उपवास कहते हैं। बोले भगवान के निकट में कैसे वास करोगे? कैसे भगवान के पास में वास करोगे? जब हमारी ये एकादश इंद्रियों के द्वारा भगवान की सेवा में लगाओगे, वाणी से भगवान का नाम करोगे, कानों से उनकी कथा सुनोगे, आँखों से उनका रूप देखोगे, हाथों से उनकी चरण की सेवा करोगे, पैर से मंदिर परिक्रमा करोगे, इसको द्वारा ही वास होता है, हैं न उपवास लंघन। कहते उपवास लंघन से मतलब नहीं खाने से उपवास नहीं होता है। अब नहीं खाने से दिन भर खाओगे नहीं, हैं दिन भर खाओगे नहीं, व्रत पूरा के पूरा किया लेकिन उस दिन सोया रहा, बोला आज हम उपवास कर रहे हैं ना आज कुछ काम नहीं कर सकते, बोले नहीं उसको उपवास नहीं कहते, उपवास कहते उस दिन। इसलिए प्रभुपाद ने क्या किया? बोले कलयुग का जीव अगर उसका पूरा मना कर देगा ना मत खाओ दिन भर सोता रहेगा, अल्लाह जी ने उपवास किया, आज हमने व्रत रखा, आज कुछ हम नहीं करेंगे सोता रहेगा। इसलिए प्रभुपाद बोले थोड़ा लो प्रसाद लो, लेकिन क्या करो? भगवान की आज का दिन ज़्यादा कीर्तन करो, प्रसाद भरी अखंड करिया करो, प्रसाद से यहाँ तक प्रसाद पाओ, लेकिन बदन भरिया हरि बोल करो, हैं मुँह भर करके आज का दिन ज़्यादा से ज़्यादा क्या करो? हरि कीर्तन करो, हरि नाम करो, भगवान की कीर्तन करो। इसलिए बोले उपवास का दूसरा अर्थ होता है उपावृतस्य पापेभ्य जस्तु वा गुणय स उपवास सव्यज्ञ न शरीर विशेषणम। शरीर को सूखा करने से उपवास नहीं होता है। क्या करनी चाहिए? बोले उपावृतस्य पापेभ्य, आज का दिन क्या करो? कोई पाप कर्म मत करो, बाणी से किसको बुरा मत कहो, हैं आँखों से कोई गंदी चीज मत देखो, कानों से कोई गंदी चीज मत सुनो, इन हाथों से कोई गंदी काम मत करो, हैं इसलिए उपावृतस्य पापेभ्यो। आज का दिन सारी पाप का परित्याग करते हुए क्या करो? जस्तु वा गुणस, आज का दिन ज्यादा हरि कथा सुनो। जैसे भागवत कथा होगी 3 घंटा 4 घंटा तो बीत जाती है,
फिर 4 घंटा प्रभु का नाच कीर्तन कथा बीत जाती है, हैं। इसलिए आज का दिन क्या करो, जस्तुबा गुणई से आज का दिन ज्यादा कीर्तन ज्यादा कथा भगवान की ज्यादा चिंतन भगवान की ज्यादा ग्रंथ अध्ययन आज का दिन ज्यादा से ज्यादा धाम परिक्रमा तुलसी परिक्रमा है आज का दिन ज्यादा से ज्यादा क्या करो भगवान की सेवा में लगा दो। जस्तुवा गुणेश उपवास सब विज्ञान, इसलिए विद्वान पंडित लोग पशु को ही एकादशी उपवास कहते हैं। न शरीर विश्वसनम, शरीर को सुखाने से व्रत नहीं होता है, हैं। क्या करनी चाहिए, एकादशी का दिन सारे इंद्रियों को भगवान की आय सेवा में लगा दो। इसलिए फिर भागवत कथा में अगर एकादशी आ जाता है उसको बहुत अच्छी मान जाता है। इसलिए अक्सर करके साधारण लोग जब भागवत कथा कराते हैं कहते तो भैया जैसे कथा में एकादशी जरूर आनी चाहिए, लेकिन भागवत में और कोई व्रत का नहीं है नाम, कोई सोम मंगल कोई व्रत का नाम नहीं, एक भागवत में एकादशी की कथा आती। नंद यशोदा अम्बरीश महाराज एकादशी व्रत की, इसलिए भागवत में बोल एकादशी कथा आती है। इसलिए भैया कथा का अंदर में जो साधारण जो लोग कथा हम भक्त लोग तो कहीं करा दो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन साधारण लोग जो कर्मी लोग करते हैं बोले बाबा एकादशी कथा में एकादशी आनी चाहिए। और वो दो पक्ष होता है ना, शुक्ल पक्ष और एक होता है कृष्ण पक्ष, कहते कृष्ण पक्ष में हम कथा कराएंगे, नहीं शुक्ल पक्ष में कथा कराएंगे, हाँ शुक्ल पक्ष में, और एकादशी व्रत उसमें आनी चाहिए। इसलिए आपकी कथा में एकादशी आया मतलब बहुत बढ़िया है, बहुत उसमें बढ़िया है। इसलिए आज एकादशी तिथि सबके सब एकादशी व्रत रखियो, और एकादशी समझ रहे हो एकादशी गुटका फुटका नहीं खाना पान पान नहीं खाना, एकादशी का दिन ये सब खाने से फिर एकादशी व्रत नहीं होता है। चाय भाई मत पीना, चाय नहीं पीना, चाय पत्ता है, अगर पत्ता पियोगे एकादशी व्रत खत्म है। इसे चाय भी नहीं पीना, गुटका गुटका फुटका नहीं खाना, समझ रहे हो। और शुद्ध रूप में आज थोड़ा माला जप करो, आज थोड़ा ज़्यादा माला जप करो, और आज का दिन भगवान की कथा, आज सारा जीवन तो कमाते हो, आज का दिन अच्छी चीज सही चीज़ कमाओ, पूरा भागवत कथा सुनो। आज जा करके चुप करके बैठ जाना एक जगह पर, बैठ करके कान लगा करके भगवान की कथा सुनो, ठाकुर की कीर्तन करो, बस एकादशी करने का सार्थकता आज हो जाएगी, ठीक है। बोले एकादशी तिथि की एकादशी का कीर्तन गा रहे हैं, इसको सुना। इसमें जो पहला जो आरंभ होता है, शुद्ध भक्त चरण त्रेणु भजन अनुकूल भक्त सेवा परम सिद्धि प्रेम रति कारण। देखो भक्तिमन ठाकुर क्या कहते हैं, पहला लाइन में कहते शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल, मतलब भजन का सबसे अनुकूल क्या है, मतलब है तुम्हारी भजन सबसे जल्दी जल्दी कैसे बढ़ेगी, भजन तुम्हारी जल्दी जल्दी बढ़ेगी कैसे, बोले एक चीज अगर करोगे, अगर शुद्ध भक्तों का चरण धूलि अगर ग्रहण करोगे। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं जो तीन चीज जल्दी से जल्दी प्रभु का प्रेम को बढ़ाने वाली, बोलो तीन चीज क्या है, बोले भक्त पद धूलि, पहला नंबर भक्तों का चरण धूलि, दूसरा बोले भक्तों का चरणामृत, बोले तीसरा बोले भक्तों का अधरामृत प्रसाद व कथामृत। ये तीन चीज जल्दी से जल्दी प्रभु का प्रेम को बढ़ाने वाले। इसलिए शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल भक्त सेवा परम सिद्धि प्रेम लठिकार मूलक, मतलब भक्ति में सबसे जल्दी जल्दी अग्रसर होने का उपाय क्या, बोले भक्तों की सेवा, क्योंकि भक्तों का हृदय में शुद्ध भक्तों का हृदय में भगवान का निवास होता है। जब हम किसी भक्तों को खुश कर देते हैं, अगर भक्त खुश हो गए उनका हृदय में ठाकुर जी बैठे और ठाकुर अपने आप खुश हो गए। इसलिए भजन अनुकूल भक्त सेवा परम सिद्धि, यदि भक्तों का जो सेवा जितने सारे सिद्धियों में ये सर्वश्रेष्ठ सिद्धि क्या है, जगत में सिद्धि रिद्धि वैभव तरह तरह का सिद्धियों को प्राप्त करते हैं लोग, लेकिन कहते सर्वश्रेष्ठ सिद्धि क्या जीवन में, कहते अगर भगवान की जो शुद्ध भक्तों को अगर आपने खुश कर दिया तो भगवान खुश हो गए, अगर भगवान खुश हो गए इसलिए बड़ा सिद्धि नहीं। इसलिए हनुमान जी को पास में
तदना अष्ट सिद्धि नवनिधि सबके देने का दाता है। लेकिन हनुमान जी को जो पूछा भगवान राम, बोलो क्या चाहिए, हनुमान जी क्या कहते हैं, बोले प्रभु बार बार बर मागो हर सी देहु श्री रंग पद सरोज अनुपायनी भक्त सदा सक। प्रभु केवल आपकी भक्ति दो, चरण की सेवा दो, संतों की संग्रह प्रदान करो, हमें यही चीज चाहिए। इसलिए भक्त सेवा परम सिद्धि प्रेम लतिकार मूल है। तो भजन में इतनी अच्छी अच्छी भक्ति में ठाकुर बहुत अच्छी अच्छी कीर्तन में बात होता है, तो कीर्तन कर लेते हैं फिर कथा को विश्राम ले लेंगे, ठीक है। बोले शुद्ध भक्त चरण भजन आनो बोलो शुद्ध भक्त भक्त सेवा परम सिद्धि प्रेम भक्त सेवा परम जीवन सार्थक मानी
प्रेमानंदे बस एकादशी तिथि की।